नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 12 और 13 अगस्त को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है जानकारी। मानसून की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ गई है। इन मौसमी सिस्टमों के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की तीव्रता बढ़ जाएगी और कई इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बौछारें दर्ज की जाएंगी। तराई वाले इलाकों में कुछ अधिक वर्षा यहां देखने को मिल सकती है। प्रयागराज, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन सहित तमाम आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में मूसलाधार बारिश से हालात और बिगड़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जिन जिलों में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके आसपास में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसकी वजह से अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ जिलों में मध्यम से भारी बरसात होने की संभावना है। जिन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, उनमें रायबरेली, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महोबा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन और औरैया का नाम शामिल है। इसके अलावा 12 अगस्त को जिन जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उनमें फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, उन्नाव, लखनऊ, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद और आगरा जिला शामिल हैं। मूसलधार बारिश से बाढ़ग्रस्त इलाकों की स्थितियां और खराब हो सकती है। बता दें कि पूर्वांचल और तराई के 19 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ऐसे में और ज्यादा बारिश होने की सूरत में इन जिलों की हालत और खराब हो सकती है। मध्य प्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर के चलते 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला 12 और 13 अगस्त को भी जारी रह सकता है। आकाशीय बिजली से लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। अनुमान के मुताबिक लखनऊ और इसके आसपास के जिले उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और अयोध्या में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बागपत में भी बारिश की संभावना है। बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन, चित्रकूट, ललितपुर और झांसी के साथ साथ ब्रज के क्षेत्रों में आगरा, एटा और अलीगढ़ में भी बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं, बुलंदशहर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, मैनपुरी, कासगंज, कानपुर नगर, फतेहपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, प्रयागराज, मिर्जापुर, संत कबीर नगर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी तक औसत से भी कम बारिश हुई है, फिर भी 19 जिलों में बाढ़ के हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, हालांकि बारिश औसत से भी कम हुई है। 19 जिलों में से 7 जिलों में तो औसत से भी कम बारिश हुई है। प्रदेश में बाढ़ और बारिश का अजीब रिश्ता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भले ही उत्तर प्रदेश में 19 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं, लेकिन प्रदेश में अभी तक इस मानसूनी सीजन में औसत से भी कम बारिश हुई है। मौसम विभाग बताता है कि प्रदेश में औसत से 7% तक कम बारिश हुई है। ये हालात तब हैं जब 75 में से 52 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है।
और तो और जो 19 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, उनमें से भी 7 जिले ऐसे हैं जहां औसत से कम बारिश हुई है। प्रदेश के 19 जिले हैं अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, देवरिया, गोंडा, खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, पीलीभीत, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर और बस्ती बाढ़ से पीड़ित हैं। इन 19 जिलों में से 7 जिलों में तो औसत से कम बारिश हुई है। ये जिले हैं कुशीनगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मऊ, पीलीभीत, अयोध्या और आजमगढ़। बावजूद इसके ये 7 जिले बाढ़ और जलभराव की मार झेल रहे हैं। हालांकि ये ऐसे जिले हैं जहां हर साल ऐसा होता रहा है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।